सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि दिल्ली में अपनी गेट की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। तो उनके बारे में ये बात करनी है कि कहाँ उनको कोचिंग ज्वाइन होनी है, उनकी कोचिंग कहाँ पर होने वाली है, रूम उनको कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा, उनको खाने पीने की क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसके साथ में क्या उसका कॉस्ट होगा, क्या आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, कहाँ पे ज्वाइन करनी है, कितने की पड़ेगी, साथ में आपको कौन सा आइडिया सस्ता पड़ेगा, और ओवरऑल आपका एक मंथ का कितना एक्सपेंस हो सकता है एक आप यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए आते हो। तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी और डिले के चालू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं वो मेड इजी कोचिंग यहाँ ज्वाइन करने आते हैं अपनी गेट की प्रिपरेशन के लिए। और मेड इजी के दो सेंटर हैं, एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए साकेत में है और दूसरा उनका मैकेनिकल और सिविल के लिए इग्नू रोड पे है। तो हम लोग साकेत के बारे में बात करेंगे। तो साकेत सेंटर जो है आपका बाई रोड अगर आप देखें तो वो 500 मीटर के अंदर में है, और वो सेंटर में आपकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की ही मोस्टली बैच चलते हैं। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली दो एरिया हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रूम लेके रहते हैं। पहला तो कोचिंग के पास में ही सैदुल्ला जाप करके एक विलेज है, वहाँ पे काफ़ी सारे पीजी हैं और फ्लैट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो लोग वहाँ पे रहते हैं। और साथ ही में जो लोग पहले के स्टूडेंट्स होते हैं या और ओवरऑल जो बाकी वर्किंग प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं जो अभी यंग होते हैं, वो सब साकेत से दूर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे 1 किलोमीटर तो वहाँ पर हमें एक लाडो सराय करके गाँव मिलता है, विलेज मिलता है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो वहाँ पे रूम लेते हैं। यहाँ पे रूम लेने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आपका ओवरऑल जो एक्सपेंस होता है मंथली का वो कम हो जाता है, और जो साकेत में एक्सपेंस आपका होता है उससे यहाँ पे कम के रूम मिल जाते हैं, एज़ वेल एज़ यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी अच्छी मेस मिल जाती हैं। तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो साकेत से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही राइट हैंड पे आपका लाडू सराय गाँव पड़ता है। लाडू सराय में आपके हर घर में एक ना एक रेंट पे बंदा रहता ही रहता है। तो अगर आप दिल्ली आ रहे हो प्रिपरेशन के लिए तो आपको रूम ढूंढने के लिए ज़्यादा कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लाडू सराय आइए, आपको जैसे ही एंटर करोगे लाडू सराय में आपको एक एक करके रूम के लिए टॉयलेट के बोर्ड दिख जाएंगे, और किसी भी आप घर में जाके रूम के लिए पता कर सकते हो। आराम से यहाँ रूम मिल जाएगा अगर आप एक दिन तमीज से ढूंढोगे, आराम से ढूंढोगे अपना वक्त लेके, तो एक अच्छा रूम मिल जाएगा आपको। ये रूम आपको सिंगल भी मिल जाएगा, डबल भी मिल जाएगा। बात करते हैं प्राइस की। तो सिंगल रूम आपको 3,000 तक स्टार्टिंग में मिल जाएगा, और 5-6 हज़ार तक अगर आपका काफ़ी अच्छा रूम है, विद एसी है, तो 6-7-8 हज़ार तक भी मिल सकता है। साथ में अगर आप 2 लोग रहना चाहते हो या 3 लोग रहना चाहते हो तो वो भी आपकी 5-6 हज़ार से स्टार्टिंग होकर 10-12 हज़ार तक जा सकती है। तो रूम आपको यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा और ठीक ठाक रूम मिल जाएगा आपको। मैं अपने रूम का वीडियो लिंक दे दूँगा, आप वो देख सकते हो कि किस प्राइस में कितना हमें मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो रूम मिलेगा उसका रेंट के साथ कुछ कुछ लोग जो हैं वो वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अलग से लेते हैं। तो ओवरऑल आपका अगर 3,000 का रूम है तो 3,500 तक का पर मंथ आपका खर्चा रूम को लेके आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं खाने को लेके। तो खाने के लिए यहाँ आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मेस हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर 60-70 रुपीज़ में पर डे एक थाली मिल जाएगी एक टाइम की। और अगर आप वहाँ पे मंथली अपना पेमेंट करते हो तो फ्रॉम 2800 टू नियरली 3500-3600 तक आपको पर मंथ की मेस मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2 टाइम का खाना मिलेगा, एक दोपहर में और एक रात में, जो कि खाना काफ़ी सही होता है। अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो खाना बनाने की टेंशन नहीं होती है और मेस में अच्छा खाना मिल जाता है। इसमें कई मेस पे आप अनलिमिटेड खा सकते हो, कई मेस पे आपको 4 रोटी और दाल चावल सब्जी सब मिलता है, ठीक है। तो खाने के लिए आपके पास यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपके सैदुल्ला जाप में बहुत ही कम है। वहाँ पे खाने की क्वालिटी भी कम रहती है और कॉम्प्रोमाइज रहती है। बट लाडो सराय में आपको खाने के लिए बहुत सी मेस हैं, यहाँ पे 8-10 मेस हैं और ज़्यादा ही हैं, जहाँ पे आप एक बार जाके चेक कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे जहाँ आपको सही लगे वहाँ पे पेमेंट करके आप अपनी मंथली मेस लगवा सकते हो।
अब बात करते हैं इसके अलावा जो आपका मेन होता है यहाँ पे इन्वायरमेंट, लाडो सराय का इन्वायरमेंट थोड़ा सा कंजेस्टेड है क्योंकि ये छोटा सा पहले गांव था तो कंजेस्टेड है, बट आपको यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जूस पीना है, फ्रूट्स ख़रीदना है, सब्ज़ी ख़रीदनी है, ग्रॉसरी ख़रीदनी है, पास में एक रिलायंस का स्टोर भी है वो भी आपका है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर सारी आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे पानी की सप्लाई भी होती है, जो आपकी कैंपर मिनरल वाटर जो होते हैं बिस्लेरी या नॉर्मल जो वाटर फिल्टर्ड वाटर होते हैं वो भी मिलते हैं, तो आप उसको भी लगवा सकते हो। वो 30 रुपए की पर बॉटल होती है, तो आप उसको भी लगा सकते हो अगर आपको पानी के लिए भी कोई टेंशन है तो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी को लेकर। यहाँ पर काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि मैंने खुद अपने लिए विज़िट की हैं, चेक की हैं, तो लाइब्रेरी का आपका जो कॉस्ट होता है वो 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है और वो 1400-1500 तक ही मैक्सिमम रहता है पर मंथ। ये लाइब्रेरी 24/7 आपके लिए ओपन रहती हैं और यहाँ पे गर्मियों में एसी भी वर्क करता है रात 10 बजे तक। तो अगर आपको परमानेंट लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, परमानेंट लाइब्रेरी से मेरा मतलब है आपको प्रॉपर चाबी मिलेगी, अपना लॉकर मिलेगा, तो ये परमानेंट लाइब्रेरी है वो आपको 1000 रुपये से स्टार्टिंग करके 1200-1500 तक मिल जाएगी। उसके बाद आपको टेम्प्रेरी लाइब्रेरी का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आप किसी भी सीट पर जाके बैठ के पढ़ सकते हो, तो वो 600 से स्टार्टिंग होती है और 600-800 में वो आपको मिल जाएगी। तो अगर हम अभी तक का आपका एक्सपीरियंस देखें कितना बन रहा है, तो अगर आप अपना रूम डिसेंट लेते हो, शेयरिंग में लेते हो, तो 4000 तक का आपका एक नॉर्मल अच्छा रूम मिल जाएगा और 3000 तक आपको अच्छी एक मेस मिल जाएगी जो कि हमारा सम अप होता है 7000 में। इसके बाद अगर आप बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी लेते हो यहाँ पे, तो वो 1200 तक का पड़ जाएगी, जो कि अगर आप 2-3 लाइब्रेरी और देखोगे तो आपको 1200 तक की लाइब्रेरी ठीक मिल जाएगी। तो 8200 तक आपको एक अच्छी आपकी जो पर मंथ जो एक्सपेंस है ये फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपने लिए एक दिक्कत ये होती है कि आपको सुबह अपने लिए स्नैक्स का इंतज़ाम खुद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लाडो सराय में कोई भी शॉप नहीं खुलती है इतनी जल्दी जो आपको अच्छा स्नैक्स दे पाए, आपको ब्रेकफास्ट दे पाए। तो आपको सुबह सुबह या तो पोहा मिल जाएगा, इडली मिल जाएगी, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है इतनी जल्दी, क्योंकि आपकी कोचिंग 8 बजे की होती है, तो आपको 7:30 बजे तक यही मिल पाएगा और यही आपके पास ऑप्शन है। इंस्टेंट अगर आप सैदुल्ला जाब में रहोगे तो वहाँ आपके जो पीजी होंगे वो सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्योंकि लालू सराय में रहते हैं तो वो सुबह सुबह बनाना या फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, या अपने लिए कुछ ओट्स या पोहा खुद ही बना लेते हैं, और दोपहर में मेस रहती है, और बीच में आपको ब्रेक मिलेगा अपनी कोचिंग में 20-30 मिनट्स, तो वहाँ पे कैंटीन भी आपको मिल जाएगी मेड इजी के सेंटर में, तो वहाँ आप पेटीज या फिर वेज सैंडविच वगैरह भी खा सकते हो। तो ये ओवरऑल आपका अगर हम देखें तो 1500-2000 रुपये ये खर्चा आपका हो सकता है ब्रेकफास्ट वगैरह को लेके, तो नियरली 10000 तक का आपका ये एक्सपेंस बन गया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ कभी कभी चटपटा खाना है, वो सब वगैरह समोसा वगैरह चाय वगैरह पीनी है, तो वो सब भी आपको यहाँ मिल जाएगा, तो उसका अगर हम 1500 रुपये वो रख लें तो आपका मैक्स टू मैक्स 11000 के अंदर सारा आपका काम हो जाना है। आपको कोई भी इससे ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ पाएगी, इतना ही आपके लिए सफिशेंट होगा, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द जो खर्चा होता है वो खाने में ही होता है और रहने में होता है, तो वो आपका मेजॉरिटी पोर्शन कवर अप हो जाता है, और इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कितना एक्सपेंस होगा। कई लोग यहाँ पे 7-8 to 9000 तक ही अपना मंथ का एक्सपेंस निकाल देते हैं, क्योंकि वो बाहर का ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं, तो उन सब में उनका 8-9000 तक हो जाता है। मेरा भी जब मैं इनिशियल डेज में आया था तो मेरा भी 9-10000 में हो जा रहा था, बट अब मैं थोड़ा सा क्योंकि मैंने अपना रूम चेंज किया है और क्योंकि गर्मियों का वक्त है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है, तो वो मेरा भी लगभग 11-12-13000 तक मंथली एक्सपेंस जाता है। आप डेली आ रहे हो और आप मेरी भी ज्वाइन करने वाले हो, यहाँ पे और भी गेट की प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग से अनअकैडमी वगैरह, बट मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरी भी ज्वाइन करते हैं, तो इस पूरे गांव में आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सभी तैयारी करने के लिए हैं, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा आपको। अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो आप अगर दिल्ली आ रहे हो तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप लाडो सराय आइए और अपने किसी दोस्त के पास सामान रखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका कोई ना कोई दोस्त ले जाने वाला यहाँ हो गई होगा, तो आप अपने दोस्त के यहाँ सामान रखिए और पूरा एक दिन अच्छे से दीजिए, आपको एक अच्छा रूम मिल जाएगा और आप वहाँ पर अपना शिफ्ट करिए और आराम से रहिए।
तो यही था बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि मुझे इनिशियल डेज में बहुत टेंशन थी कि कैसे क्या करूँगा। तो अब मैं यहाँ जान गया हूँ, तो मैंने सोचा आपको ये अपडेट कर देता हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में, और दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय बाय।